शादी जितनी आम लड़की के लिए मायने रखती है उतना ही फिल्म और टीवी सीरियल्स में काम करने वाले अभिनेत्रियों के लिए भी मायने रखती है। हमारी टीवी इंडस्ट्री में कई ऐसी अभिनेत्रियां हैं जो आज शादी के बंधन में बंध चुकी है और शादी के बाद आए बदलावों के बावजूद भी उन्होंने अपने करियर को विराम नहीं दिया और आज भी टीवी पर नजर आ रही है। लेकिन टीवी इंडस्ट्री में कुछ ऐसी अभिनेत्रियां हैं जिन्होंने शादी तो की पर शादी के बाद आए बदलावों को हैंडल नहीं कर पाई, जिसके चलते वो अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को बैलेंस नहीं कर पाई और आखिरकार उन्होंने अपने करियर को पूरी तरीके से विराम दे दिया। आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको टीवी की उन अभिनेत्रियों से रूबरू करवाएंगे जिन्होंने शादी के बाद अपने सफलता भरे करियर को विराम दे दिया। तो आइए जानते हैं कौन है वो अभिनेत्रियां। नंबर 4, मिहिका वर्मा। छोटे पर्दे की लोकप्रिय अदाकारा मिहिका वर्मा को आप ये हैं मोहब्बतें की मिहिका अय्यर के रूप में जानते हैं। इन्होंने तुझ संग प्रीत लगाई सजना, किस देश में है मेरा दिल और विरुद्ध जैसे कई सीरियल में काम किया है और खूब सफलता हासिल की। पर कुछ समय बाद ही उन्होंने बिजनेसमैन आनंद कपाई से शादी की, तब से ये टीवी पर दोबारा नजर नहीं आई। आपको बता दें हाल ही में इनके घर एक बेबी बॉय का जन्म हुआ है जिनके आने से इनकी जिंदगी बिजी हो गई है। नंबर 3, एकता कौल। रब से सोना इश्क से प्रसिद्ध हुई अभिनेत्री एकता कौल टीवी की जाने मानी अभिनेत्री है जिन्होंने कई टीवी शोज में काम किया और खूब सफलता भी हासिल की और कुछ समय बाद इन्होंने अपने करियर को विराम दे दिया। इन्हें आखिरी बार स्टार प्लस के शो मेरे अंगने में देखा गया, जिसके बाद ये किसी शो में नजर नहीं आई। दरअसल इन्होंने अभिनेता सुमित व्यास से शादी कर ली। शादी के बाद इन्होंने अपने प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ में अपनी पर्सनल लाइफ को चुना। इन्होंने अपने करियर को पूरी तरह से विराम दे दिया है, अपनी शादीशुदा जिंदगी में व्यस्त हो गई है। नंबर 2, नेहा मर्दा। कलर्स के लोकप्रिय शो बालिका वधू में गहना का किरदार अभिनेत्री नेहा मर्दा ने निभाया था और अपने इस किरदार के साथ ये घरेलू नाम बन गई, जिसके चलते इन्हें कई और शोज के ऑफर आए। इन्होंने शोज में काम नहीं किया। साल 2012 में बिजनेसमैन आयुष्मान अग्रवाल से शादी की। शादी के बाद अपनी शादीशुदा जिंदगी में व्यस्त हो गई, जिसके चलते इन्होंने अपने अभिनय करियर को विराम दे दिया। आपको बता दें इनके पति इनका बड़ा ख्याल रखते हैं, वो उन्हें किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होने देते, जिसके चलते इन्हें अपने करियर को दोबारा शुरू करने का ख्याल ही नहीं आया। नंबर 1, मोहना सिंह। टीवी जगत की सबसे लोकप्रिय अभिनेत्री मोहना सिंह एक सफल अभिनेत्री के साथ साथ एक सफल डांसर भी है, जिन्होंने वैसे तो कई लोकप्रिय शोज में काम किया है पर इन्हें असली पहचान ये रिश्ता क्या कहलाता है में कीर्ति के रूप में मिला। इस किरदार को इन्होंने इतने अच्छे तरीके से निभाया कि इस किरदार के साथ ये घर घर में फेमस हो गई। पर कुछ समय बाद इन्होंने उत्तराखंड के कैबिनेट मिनिस्टर सुयश रावत से शादी की। शादी के बाद अपने सफलता भरे करियर को विराम दे दिया। बेशक आज ये टीवी इंडस्ट्री से दूर है लेकिन सोशल मीडिया पर अपने फैंस से कनेक्शन बनाए रखे हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, इन अभिनेत्रियों ने शादी करके अपने सफलता भरे करियर को छोड़कर सही किया या गलत? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे दो और टीवी से जुड़ी और भी बातें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो।